द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मोहन राकेश जी की लिखी कहानी जानवर और जानवर। स्कूल की नई मैट्रन का नाम अनीता मुखर्जी था और उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, पर वह आंट सैली की जगह आई थी, इसलिए पहले दिन बैचलर्स डाइनिंग रूम में किसी ने उससे खुलकर बात नहीं की। उसने जॉन से बात करने की कोशिश की तो वह हूं हां में उत्तर देकर टालता रहा। मणि नानावती को वह अपनी चायदानी में से चाय देने लगी तो उसने हल्का सा धन्यवाद देकर मना कर दिया। पीटर ने अपना चेहरा ऐसे गंभीर बनाए रखा जैसे उसे बात करने की आदत ही ना हो। किसी तरफ से लिफ्ट ना मिलने पर वह भी चुप हो गई और जल्दी से खाना खाकर उठ गई। अब मेरी समझ में आ रहा है कि पादरी ने सैली को क्यों निकाल दिया। वह चली गई तो जॉन ने अपनी भूरी आंखें पीटर के चेहरे पर स्थिर किए हुए कहा। पीटर की आंखें नानावती से मिल गईं। नानावती दूसरी तरफ देखने लगी। वैसे उनमें से कोई नहीं जानता था कि आंट सैली को फादर फिशर ने क्यों निकाल दिया। उसके जाने के दिन से ही जॉन मुंह ही मुंह बड़बड़ाकर अपना असंतोष प्रकट करता रहता था। पीटर भी उसके साथ दबे दबे कुड़ लेता था। चलकर एक दिन सब लोग पादरी से बात क्यों नहीं करते, एक बार हकीम ने तेज होकर कहा। जॉन ने पीटर को आंख मारी और वे दोनों चुप रहे। दूसरे दिन सुबह पादरी के सिर दर्द की खबर पाकर हकीम उसकी मिजाज पुरसी के लिए गया तो जॉन पीटर से बोला, ए देखा पहुंच गया ना उसके तलवे सूंघने। सनावे गन, हमें उल्लू बनाता था। आंट सैली के चले जाने से बैचलर्स डाइनिंग रूम का वातावरण बहुत रूखा सा हो गया। आंट सैली के रहते वहां के वातावरण में बहुत घरेलूपन सा रहता था। सर्दी में तो खास तौर से आंटी के बीच आ बैठने से वह कमरा एक परिवार का भरा पूरा घर सा बन जाता था। वह अपनी कमर पर हाथ रखे बाहर से ही मजाक करती आती, अरे पीटर के लिए आज मगज का शोरबा बना है या वे मेरा ही मगज खाएगा, या हो मुझे नहीं पता था कि आज मणि इस तरह गजब ढा रही है, नहीं तो मैं भी जरा सा सवर कराती। ऐसे मौके पर पाल उसके सफेद बालों पर बंधे लाल या नीले फीते की तरफ संकेत करके कहता, आंटी ये फीता बांध कर तो तुम बिल्कुल दुल्हन जैसी लगती हो। अच्छा दुल्हन जैसी लगती हूँ तो कौन करेगा मुझसे शादी, तुम करोगे? और उसकी आंखें मिच जाती, होठ फैल जाते और गले से छल छलाती हंसी का स्वर सुनाई देता। एक बार पीटर ने कहा, आंटी पाल कह रहा था कि वे आजकल में तुमसे ब्याह का प्रस्ताव करने वाला है। आंटी ने चेहरा जरा तिरछा करके आंखें पीटर के चेहरे पर स्थिर किए हुए उत्तर दिया, तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे एक साथ पति भी मिल जाएगा और बेटा भी। फिर वही हंसी जैसे बहते पानी के वेग में छोटे छोटे पत्थर फिसलते चले जाएं। आंट सैली के चले जाने से अकेले लोगों का वह परिवार काफी उखड़ गया था। कुछ दिन पहले इसी तरह मीराशी चला गया था, उसके बाद पाल की छुट्टी कर दी गई थी। मीराशी तो खैर बिगड़ैल आदमी था, मगर पाल को बैचलर्स डाइनिंग रूम के बैचलर्स जिनमें दो स्त्रियां भी सम्मिलित थी बहुत चाहते थे। हालांकि जॉन को पाल का अंग्रेजी फिल्मों के बटलर की तरह अकड़कर चलना पसंद नहीं था और उन दोनों में प्राय आपस में झड़प हो जाती थी, फिर भी उसकी पीठ पीछे वह उसकी तारीफ ही करता था। जिस दिन पाल गया उस दिन जॉन खिड़की के पास बैठा सिर हिलाकर पीटर से कहता रहा, अच्छा हुआ जो यह लड़का यहाँ से चला गया, अभी तो यह बाहर जाकर कुछ बन भी जाएगा, वरना यहाँ रहकर इसका क्या बनना था। तुम भी जवान आदमी हो, तुम यहाँ किस लिए पड़े हो? और पीटर घड़ी को चाबी देता हुआ चुपचाप दीवार की तरफ देखता रहा। पाल और मीराशी के निकाले जाने की वजह का तो खैर सबको पता था। मीराशी का अपराध बिल्कुल सीधा था, उसने फादर फिशर के माली को पीट दिया था। पाल का अपराध दूसरी तरह का था, उसने आवारा नस्ल का एक हिंदुस्तानी कुत्ता पाल लिया था जिसे वह हर समय अपने साथ रखता। हालांकि कुत्ते में कोई खासियत नहीं थी,
बहुत सादा सी सूरत, फीका बादामी रंग और लंबुतरा सा उसका कद था। फिर भी क्योंकि पाल ने उसे पाल लिया था, इसलिए वह उसे बहुत लाड़ से रखता था। उसका नाम उसने बेबी रखा था और कई बार उसे बगल में लिए खाना खाने आ जाता। जल्दी ही बेबी बैचलर्स डाइनिंग रूम में खाना खाने वाले सब लोगों का बेबी बन गया, एक मणि नानावती को छोड़कर, जो उसकी सूरत देखते ही घबरा जाती थी। घबराहट में उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता और उसका नाटा छरहरा शरीर काबू में ना रहता। एक बार बेबी उसके हाथ में हड्डी देखकर उसके घुटने पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो वे घबराकर कुर्सी पर खड़ी हो गई और दोनों हाथ हवा में छटकती हुई चिल्लाने लगी, ओए ओए श, श, गो 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 अवे प्लीज पाल, टेक हिम अवे प्लीज। पाल पुलाव का चम्मच मुंह के पास रोककर धूर्तता के साथ मुस्कुराया और बेबी को डांट कर बोला, चल इधर आ बेबी, इस तरह खानदान को बदनाम करता है। मगर बेबी को हड्डी का कुछ ऐसा शौक था कि वे डांट सुनकर भी नहीं हटा। वे नानावती की कुर्सी पर चढ़कर उसके जिस्म के सारे खड़ा होने की कोशिश करने लगा। इस जद्दोजहद में नानावती कुर्सी से गिरने ही जा रही थी कि पाल ने जल्दी से उठकर उसे बगल में पकड़कर नीचे उतार दिया। फिर उसने बेबी को दो चपत लगाई और उसे कान से खींचता हुआ अपनी सीट के पास ले गया। बेबी पाल की टांगों के आसपास मंडराने लगा, मेरा सारा ब्लाउज खराब कर दिया। नानावती हाफती हुई रुमाल से अपना ब्लाउज साफ करने लगी। उसके उभार पर एकाध जगह बेबी का मुंह छू गया था। बेबी अब पाल के घुटने से अपनी नाक रगड़ रहा था। पाल ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, यू नॉटी चाइल्ड, ऐसी भी क्या शरारत कि इंसान एटिकेट तक भूल जाए। जॉन पीटर की तरफ देखकर मुस्कुराया। नानावती भड़क उठी, देखो पॉल, मुझे इस तरह का मजाक कतई पसंद नहीं। गुस्से से उसका पूरा शरीर तमतमा गया था। अगर वह और शब्द बोलती तो साथ रो देती, मगर उसे गंभीर देखकर भी पाल गंभीर नहीं हुआ। बोला, मुझे खुद ऐसा मजाक पसंद नहीं मैडम, मैं इसकी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। और उसके निचले होठ पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नानावती क्षण भर रुंधे हुए आवेश के साथ पॉल को देखती रही, फिर अपना नैपकिन मेज पर पटक कर तेजी से कमरे में चली गई। उसके जाते ही जॉन ने अपनी भूरी आंखें फैलाकर सिर हिलाया और कहा, आज तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होकर रहेगा। वह अब सीधी उस शतरमुर्ग के पास शिकायत करने जाएगी, कोतिया। मगर नानावती ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि दूसरे दिन सुबह उसने पॉल से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। जॉन को अपनी भविष्यवाणी के गलत निकलने का खेद तो हुआ, पर इससे नानावती के प्रति उसका व्यवहार पहले से बदल गया। उसने उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए वैश्यवाचक शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया। यहाँ तक कि एक दिन वह एटकिंसन के साथ इस संबंध में विचार करता रहा कि इतनी अच्छी और मेहनती लड़की को उसके पति ने घर से क्यों निकाल रखा है। नानावती ने भी उसके बाद बेबी को देखते ही ओय ओय इशिश करना बंद कर दिया। गाहे बगाहे वह उसे देखकर मुस्कुरा भी देती। एक बार तो उसने बेबी की पीठ पर हाथ भी फेर दिया, हालांकि ऐसा करते हुए वह सिर से पांव तक सिहर गई। बैचलर्स डाइनिंग रूम में पाल के जोर जोर के कह कहे रात को दूर तक सुनाई देते। बेबी को लेकर नानावती से तरह तरह के मजाक किए जाते। मजाक सुनकर जॉन की भूरी आंखों में चमक आ जाती और वह सिर हिलाता हुआ मुस्कुराता रहता। मगर एक दिन सुबह बैचलर्स डाइनिंग रूम में सुना गया कि रात को फादर फिशर ने बेबी को गोली मार दी है। जॉन अपनी चुंदियाई आंखों को मेज पर स्थिर किए चुपचाप ऑमलेट खाता रहा। नानावती का छुरी वाला हाथ जरा जरा कांपने लगा। एक बार सहमी नजर से जॉन और पीटर को देखकर वे अपनी नजरें प्लेट पर गड़ाई रही। पीटर स्लाइस का टुकड़ा काटने में इस तरह व्यस्त हो रहा जैसे बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। पाल अभी नहीं आया, जॉन ने किरपू से पूछा। किरपू ने नमकदानी पीटर के पास से हटाकर जॉन के सामने रख दी। नहीं, वह आ जाएगा। जॉन ने ऑमलेट का बड़ा सा टुकड़ा काटकर मुंह में भर लिया।
बेजबान जानवर को इस तरह मारने से, मैं कहता हूँ ऑमलेट जॉन के गले में अटक गया। किरपू चटनी की बोतल रखने के बहाने जॉन के कान के पास फुसफुसाया, पादरी आ रहा है। सबकी नजरें पलेटों पर जम गई। पादरी लबादा पहने बाइबल लिए गिरजे की तरफ जा रहा था। वे खिड़की के पास से गुजरा तो तीनों अपनी अपनी कुर्सी से आधा आधा उठ गए। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग माई सन्स। आज अच्छा सुहाना दिन है, परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। पादरी खट्टी की बार से आगे निकल गया तो जॉन बोला, ये अपने को पादरी कहता है? सवेरे परमात्मा से संसार भर का चरित्र सुधारने के लिए प्रार्थना करेगा और रात को हराम जादा। नानावती सिहर गई। ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए, वे दबे हुए और शंकित स्वर में बोली। तुम इसे गाली कहती हो? जॉन आवेश के साथ बोला, मैं कहता हूं इसमें जरा भी गाली नहीं है। तुम्हें इसकी करतूतों का पता नहीं है, यह पादरी है। नानावती का चेहरा फीका पड़ गया। उसने शंकित नजर से इधर उधर देखा पर चुप रही। जॉन के चौड़े माथे पर कई लकीरें खिंच गई थी। वह बोतल से इस तरह चटनी उड़ेलने लगा जैसे उसी पर अपना सारा गुस्सा निकाल देना चाहता हो। पीटर सारा समय खिड़की से बाहर देखता रहा। टिंग डोंग टिंग डोंग गिरजे की घंटियां बजने लगी। नानावती जल्दी से नैपकिन से मुंह पोंछकर उठ खड़ी हुई और पल भर द्विधा में रहकर बाहर चली गई। चूहियां कितनी डरती है, ए जॉन बोला। मिसेस मर्फी एटकिंसन के साथ बात करती हुई खिड़की के पास से निकलकर चली गई। गिरजे की घंटियां लगातार बज रही थी। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। जॉन जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरने लगा। जल्दी में चाय की कुछ बूंदें उसके गाउन पर गिर गई। वह प्याली रखकर रुमाल से गाउन साफ करने लगा। गिरजे नहीं चल रहे? पीटर ने उठते हुए पूछा। जॉन ने जल्दी जल्दी दो तीन घूंट भरे और बाकी चाय छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उनके दरवाजे से बाहर निकलते ही किरपू और इसर सिंह में बचे हुए मक्खन के लिए छीना चपटी होने लगी, जिसमें एक प्याली गिरकर टूट गई। हकीम और बैरे को आते देखकर इसर सिंह जल्दी से पैंटी में चला गया और किरपू कपड़े से मेज साफ करने लगा। हकीम कंधे झुकाकर चलता हुआ बैरो को रात की घटना सुना रहा था। डाइनिंग रूम के पास आकर उसका स्वर और धीमा हो गया। यूसी, बेबी को डोली के साथ देखते ही पादरी को एकदम गुस्सा आ गया और वे अंदर जाकर अपनी राइफल निकाल लाया। एक ही फायर में उसने चित कर दिया। डोली कुछ देर बिटर बिटर पादरी को देखती रही, फिर बाड़ के पीछे भाग गई। बाद में सुना है पादरी ने उसे गर्म पानी से नहलवाया और डॉक्टर को बुलाकर उसे इंजेक्शन भी लगवाए। कहां पादरी की बिस्कुट और सैंडविच खाकर पली हुई कुतिया और कहां बेचारा बेबी। मगर उस बेचारे को क्या पता था। वे दोनों हंस दिए। बेबी को मालूम होता कि यह कुतिया कनाडा से आई है और इसकी कीमत 300 रुपया है तो शायद वह। और वे दोनों फिर हंस दिए। यह तो था कि कल पादरी ने देख लिया, पर इससे पहले अगर। बैरो ने हकीम को आंख मारी, वे चुप कर गया। बाड़ के मोड़ के पास जॉन और पीटर खड़े थे। पीटर अपने जूते का फीता फिर से बांध रहा था। गुड मॉर्निंग पीटर। गुड मॉर्निंग बैरो। आज बहुत चुस्त लग रहे हो, बाल आज ही कटाए हैं? नहीं, 2-3 दिन हो गए। बहुत अच्छे कटे हैं। शुक्रिया। सहसा डिंग डोंग की आवाज रुक गई। वे सब तेजी से गिरजे के अंदर चले गए। 15वां सॉन्ग गाने के बाद प्रार्थना शुरू हुई। 15वां साम गाने के बाद प्रार्थना शुरू हुई। सब लोग घुटनों के बल होकर आंखों पर हाथ रखे पादरी के साथ साथ बोलने लगे। बैरो ने प्रार्थना करते हुए बीच में अपनी बीवी के कान के पास फुसफुसाकर कहा, मैरी, तुम्हारा पेटीकोट नीचे से दिखाई दे रहा है। मैरी एक हाथ आंखों पर रखे दूसरे हाथ से अपना स्कर्ट नीचे सरकाने लगी। गिरजे में उस दिन और उससे अगले दिन पॉल की सीट खाली रही। इस बात को नोट हर एक ने किया,
मगर किसी ने इस बारे में दूसरे से बात नहीं की। पाल ईसाई नहीं था, मगर फादर फिशर के आदेश के मुताबिक स्टाफ के हर आदमी का गिरजे में उपस्थित होना अनिवार्य था जो ईसाई नहीं थे। उनका रोज आना और भी जरूरी था। पादरी गिरजे से निकलता हुआ उन लोगों की सीटों पर एक नज़र जरूर डाल देता था। तीसरे दिन भी पाल अपनी सीट पर दिखाई नहीं दिया तो पादरी गिरजे से निकलकर सीधा स्टाफ रूम में पहुंच गया। वहां पाल एक कोने में मेज के पास खड़ा कोई मैगजीन देख रहा था। पादरी पास पहुंच गया तो भी उसकी तनी हुई गर्दन में खम नहीं आया। गुड मॉर्निंग पादरी, वे क्षण भर के लिए आंख उठाकर फिर मैगजीन देखने लगा। तुम 3 दिन से गिरजे में नहीं आए? उत्तेजना में पादरी का हाथ पीठ के पीछे चला गया। वे बहुत कठिनाई से अपने स्वर को वश में रख पाया था। जी हाँ, मैं 3 दिन से नहीं आया। मैगजीन नीचे करके पाल ने गंभीर नजर से पादरी की तरफ देख लिया। मैं वजह जान सकता हूँ? वजह कुछ भी नहीं है। पादरी ने उत्तेजना के मारे बाइबल को दोनों हाथों में खींच लिया और त्योरी को डालकर कहा, तुम जानते हो कि जो अच्छा भला होकर भी सुबह गिरजे में नहीं आता उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। गुस्से के मारे पाल के जबड़ों के मांस में खिंचाव आ गया। उसने मैगजीन मेज पर रखकर हाथ जेबों में डाल लिए और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। बड़ी खिड़की के पास जॉन नजर झुकाए बैठा था और 8-10 लोग नोटिस बोर्ड और चिट्ठियों वाले रैक के पास खड़े अपने को किसी न किसी तरह उदासीन जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से किसी ने पाल के साथ आंख नहीं मिलाई। पाल का गला ऐसे कांप गया जैसे वह कोई बहुत सख्त बात कहने जा रहा हो। पादरी, हम गिरजे में जो प्रार्थना करते हैं उसका कोई मतलब भी होता है? एक लकीर दूर तक खिंचती चली गई। पादरी का चेहरा गुस्से से स्याह हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब है? उसके दांत भिज गए और वाक्य उससे पूरा नहीं हुआ। नोटिस बोर्ड के पास खड़े लोगों के चेहरे फक पड़ गए। मेरा मतलब है पादरी कि रात को तो हम गरीब जानवरों को गोली मारते हैं और सुबह गिरजे में उनकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसका कुछ मतलब निकलता है? पादरी पल भर खून भरी आंखों से पाल को देखता रहा। उसकी सांस तेज हो गई थी। मतलब निकलता है, और वह यह कि हर जानवर एक सा नहीं होता। जानवर और जानवर में फर्क होता है, उसने दांत भींच कर कहा और पास के दरवाजे से बाहर चला गया। हालांकि उसके घर का रास्ता दूसरे दरवाजे से था। 15 मिनट बाद स्कूल का क्लर्क आकर पाल को चिट्ठी दे गया कि उसे उस दिन से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वह 24 घंटे के अंदर अपना क्वार्टर खाली करके चला जाए। यह पादरी नहीं राक्षस है, जॉन ने मुंह में बड़बड़ाया। पीटर को उस दिन शहर में काम निकल आया इसलिए वे रात को देर से लौटा। हकीम और बैरो खेल के मैदानों की जाँच में व्यस्त रहे। नानावती को हल्का सा बुखार हो आया। पाल को चलते वक्त सिर्फ जॉन ही अपने कमरे में मिला। वे अपनी खिड़की में रखे गमलों को ठीक कर रहा था। जा रहे हो? उसने पाल से पूछा। हाँ, तुमसे गुड बाय कहने आया हूँ। जॉन गमलों को छोड़कर अपनी चारपाई पर जा बैठा। मैं जवान होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, उसने कहा, मगर मुझे यहाँ से निकलकर पता नहीं कब्र की राह भी मिलेगी या नहीं। मेरी हड्डियों में दमखम होता तो तुम देखते। पाल ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया और उसके पास से चल दिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पाल के चले जाने के बाद आंट सैली ने बैचलर्स डाइनिंग रूम में आना बंद कर दिया और कई दिन खाना अपने क्वार्टर में ही मंगवाती रही। जॉन और पीटर भी अलग अलग वक्त पर आते जिससे बहुत कम उनमें मुलाकात हो पाती। नानावती अब पहले से भी सहमी हुई आती और जल्दी जल्दी खाना खाकर उठ जाती। फादर फिशर ने उसे पाल वाला क्वार्टर दे दिया था इसलिए वह अपने को अपराधिनी सी महसूस करती थी। जॉन ने उसके बारे में अपनी राय फिर बदल ली थी, मगर धीरे धीरे स्थिति फिर पुरानी सतह पर आने लगी। बैचलर्स डाइनिंग रूम में फिर कह कह और बहस मुबाही से सुनाई देने लगे। एक रात सुना गया कि आंट सैली को भी नोटिस मिल गया है। सैली को? जॉन के होंठ खुले रह गए। किस बात पर? बात का पता नहीं।
पीटर सूप में चम्मच चलाता रहा। जॉन का चेहरा गंभीर हो गया। वह मक्खन की टिकिया खोलता हुआ बोला, मुझे लगता है कि अब इसके बाद मेरी बारी आएगी। मुझे पता है कि उसकी आंखों में कौन कौन खटकता है। सैली का कसूर यह था कि वे रोज उसकी हाजिरी नहीं देती थी और ना ही वह। और वह नानावती की तरफ देखकर चुप रह गया। पीटर कुछ कहने को हुआ मगर बाहर से हकीम को आते देखकर चुपचाप नैपकिन से होठ पोंछने लगा। हकीम के आने पर कई क्षण चुप्पी छाई रही। किरपू हकीम के सामने प्लेट और छुरी कांटे रख गया। तुम्हारे क्वार्टर में नए पर्दे बहुत अच्छे लगे हैं, जॉन हकीम से बोला। तुम्हें पसंद है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है चॉप्स में नमक ज्यादा है। अच्छा, लेकिन पुडिंग अच्छा है। खाना खाकर जॉन और पीटर लॉन में टहलते रहे। आंट सैली के क्वार्टर को जाने वाले मोड़ के पास रुककर जॉन ने पूछा, शैली से मिलने चलोगे? चलो, उस हरामी ने हमें इस वक्त जाते देख लिया तो कल सुबह ना चलें? हाँ, इस वक्त देर भी हो गई है। बेचारी सैली, इस पादरी जैसा जालिम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। फौज में बड़े बड़े सख्त अफसर थे मगर ऐसा आदमी कोई नहीं था। पीटर जंगले के पास घास पर बैठ गया। मुझे फिर से फौज की जिंदगी मिल जाए तो मैं एक दिन भी यहाँ ना रहूं। घास पर बैठकर जॉन पीटर को अपनी फौज की जिंदगी के वही किस्से सुनाने लगा जो वह पहले भी कई बार सुना चुका था। पूरी पूरी बोतल, रोज रात को रम की एक पूरी बोतल में पी जाता था। मेरा एक साथी था जो पास के गांव से दो दो लड़कियों को ले आया करता था। कभी कभी हम रात को निकलकर उसके गांव चले जाते थे। अफसर लोग देखते थे मगर कुछ कह नहीं सकते थे। वे खुद भी तो यही कुछ करते थे। वह जिंदगी थी, यह भी कोई जिंदगी है? मगर पीटर उसकी बात ना सुनकर बिना आवाज पैदा किए मुंह ही मुंह में एक गीत गुनगुना रहा था। वैसे दिन फिर से मिल जाएं तो कुछ नहीं चाहिए। ऊपर देवदार की छतरियां हिल रही थी। हवा से जंगल साई साई कर रहा था। हॉस्टल की तरफ से आती पगडंडी पर पैरों की आवाज सुनकर जॉन थोड़ा चौंक गया। कोई आ रहा है। पीटर सिर उठाकर जंगले से नीचे देखने लगा। पैरों की आहट के साथ सीटी की आवाज ऊपर आती गई। बैरो है, यह भी एक हराम ज्यादा है। पीटर ने उसका हाथ दबा लिया। अभी क्वार्टर में नहीं गए टैफी? बैरो ने अंधेरे से निकलकर सामने आते हुए पूछा। नहीं, यहाँ बैठकर जरा हवा ले रहे हैं। आज हवा काफी ठंडी है। 15-20 दिन में बर्फ पड़ने लगेगी। जॉन जंगले का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, गुड नाइट पीटर, गुड नाइट बैरो, गुड नाइट। कुछ रास्ता पीटर और बैरो साथ साथ चलते रहे। बैरो चलते चलते बोला, जॉन अब काफी सठिया गया है, क्यों? इसे अब रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, पीटर के शरीर में एक सिरहन भर गई। मगर यह तो यहीं अपनी कब्र बनाएगा, नहीं? पीटर ने मुंह तक आई गाली होठों में दबा ली। बैरो का क्वार्टर आ गया। अच्छा, गुड नाइट, गुड नाइट। सुबह नाश्ते के वक्त जॉन ने पीटर से पूछा, शैली चली गई? पता नहीं, पीटर बोला। मेरा ख्याल है अभी नहीं गई। वह आ रही है। नानावती नैपकिन से मुंह पोंछकर उसे हाथ में मसलने लगी। जॉन और पीटर की आंखें झुक गई। आंट सैली का रिक्शा डाइनिंग रूम के दरवाजे के पास आकर रुक गया। वह कंधे पर झोला लटकाए उतरकर डाइनिंग रूम में आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, उसने दहलीज लांघते ही हाथ हिलाया। गुड मॉर्निंग सैली, जॉन ने भूरी आंखें उसके चेहरे पर स्थिर किए हुए भारी आवाज में कहा। जो वह मुंह से नहीं कह सका वह उसने अपनी नजर से कह देने की चेष्टा की। बस आज ही जा रही हूं, नानावती ने डरे सहमे हुए स्वर में पूछा और एक बार दाएं बाएं देख लिया। आंट सैली ने आंखें झपकते हुए मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं सुबह मिलने आ रहा था, पीटर बोला, मगर तैयार होने होने में देर हो गई। मेरा ख्याल था कि तुम शायद शाम को जा रही हो। आंट सैली ने धीरे से उसका कंधा थपथपा दिया और उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। आंट,
कभी कभार खत लिख दिया करना। पीटर ने उसका मुरझाया हुआ नरम हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर हिलाया। आंट सैली की आंखें डबडबा आई और उसने उन पर रुमाल रख दिया। अच्छा, गुड बाय, कहकर वे दहलीज पार करके रिक्शा की तरफ चली गई। गुड बाय सैली, जॉन ने पीछे से कहा। गुड बाय आंटी। गुड बाय। आंट सैली ने रिक्शा में बैठकर उनकी तरफ हाथ हिलाया। मजदूर रिक्शा खींचने लगे। कुछ देर बाद नानावती ने कहा, किरपो एक बटर स्लाइस। जॉन पीछे की तरफ देखकर बोला, मुझे चाय का थोड़ा गर्म पानी और दे दो। पीटर जैम के डिब्बे में से जैम निकालने लगा। जिस दिन अनीता आई उसी शाम से आकाश में सलेटी बादल घिरने लगे। रात को हल्की हल्की बर्फ भी पड़ गई। अगले दिन शाम तक बादल और गहरे हो गए। पीटर खेतानी गांव तक घूमकर वापस आ रहा था जब अनीता उसे ऊपर की पगडंडी पर टहलती दिखाई दे गई। वह उस ठंड में भी साड़ी के ऊपर सिर्फ एक शॉल लिए थी। पीटर को देखकर वह मुस्कुराई। पीटर ने उसकी मुस्कुराहट का उत्तर अभिवादन से दिया। घूमने जा रही हो? उसने पूछा। नहीं, यूं ही जरा टहलने के लिए निकल आई थी। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? ठंड तो है ही, मगर क्वार्टर में बंद होकर बैठने को मन नहीं हुआ। उसने शॉल से अपनी बाहें भी ढाप ली। तुम तो ऐसे ही घूम रही हो जैसे मई का महीना हो। मेरे लिए मई और नवंबर दोनों बराबर हैं। मेरे पास सूनी कपड़े हैं ही नहीं। वह फिसलन पर से संभलती हुई पगडंडी से उतरकर उसके पास आ गई। ऊनी कपड़े तो तुमने पादरी के डिनर की रात के लिए संभाल कर रखे होंगे। तब तक सर्दी से बीमार ना पड़ जाना। पीटर ने मजाक के अंदाज में अपना निचला होठ सिकोड़ लिया। सच, मेरे पास इस शॉल के सिवा और कोई ऊनी कपड़ा है ही नहीं। अनीता उसके साथ साथ चलती हुई बोली। सच पूछो तो ये भी प्रेजेंट का है। हमें उधर गर्म कपड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो परसों तक एक बढ़िया सा कोट सिला लो। परसों फादर का डिनर है। परसों तक? ओह। और वे मीठी सी हंसी हंसती। क्यों, एक दिन में यहाँ अच्छे से अच्छा कोट सिल जाएगा? मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ नौकरी करने ही क्यों आती? तुम्हें पता है मैं 900 मील से यहाँ आई हूँ। पीटर, या सिर्फ विकी, मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूँ। मेरी माँ पहले बटुए सिया करती थी, पर अब उसकी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं। मेरा छोटा भाई अभी पढ़ता है, उसके MSc करने तक मुझे नौकरी करनी है। पीटर ने रुककर एक सिगरेट सुलगा लिया। बर्फ के हल्के हल्के गाले पड़ने लगे। उसने आकाश की तरफ देखा। बादल बहुत गहरा था। आज काफी बर्फ पड़ेगी, उसने कोट के कॉलर ऊंचे उठाते हुए कहा। चलो चलो, तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर तक छोड़ आऊं। तुम इसी कॉटेज में हो ना? हाँ। चलो, मैं तुम्हें वहां चाय की प्याली बनाकर पिलाऊंगी। इस मौसम में चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। वे सी कॉटेज को जाने वाली पगडंडी पर उतरने लगे। कोहरा घना हो जाने से रास्ता 10 कदम से आगे दिखाई नहीं दे रहा था। अनीता एक जगह पत्थर से ठोकर खा गई। चोट लगी? नहीं। मेरे कंधे का सहारा ले लो। अनीता ने बराबर आकर उसके कंधे का सहारा ले लिया। जब वे सी कॉटेज के बरामदे में पहुंचे तो बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरने लगे थे। घाटी में जहां तक आंख जाती थी बादल ही बादल भरा था। एक बिल्ली दरवाजे से सटकर कांप रही थी। अनीता ने दरवाजा खोला तो वे म्याऊं करके अंदर घुस गई। दरवाजा खुलने पर पीटर ने उसके सामान पर एक सरसरी नजर डाली। स्कूल के फर्नीचर के अलावा उसे एक टीन का ट्रंक और 2-4 कपड़े ही दिखाई दिए। मेज पर एक सस्ता टेबल लैंप रखा था और उसके पास ही एक युवक का फोटोग्राफ था। पीटर चारपाई पर बैठ गया। अनीता स्टोव जलाने लगी। चारपाई पर एक पुस्तक और आधा लिखा पत्र पड़ा था। पीटर ने पत्र जरा हटाकर रख दिया और पुस्तक उठा ली। पुस्तक पत्र लेखन के संबंध में थी और उसमें हर तरह के पत्र दिए गए थे। पीटर उसके पन्ने उलटने लगा। अनीता ने स्टोव जलाकर केतली चढ़ा दी। फिर उसने बाहर देखकर कहा, बर्फ पहले से तेज पड़ने लगी है। पीटर ने देखा कि बरामदे के बाहर
जमीन पर सफेदी की हल्की तह बिछ गई है। उसने सिगरेट का टुकड़ा बाहर फेंका तो वे धुंध में जाते ही बुझ गया। आज सारी रात बर्फ पड़ती रहेगी, उसने कहा। अनीता स्टोव पर हाथ सेकने लगी। बरामदे में पैरों की आहट सुनकर पीटर बाहर निकल आया। जॉन भारी कदमों से चलता आ रहा था। ए पीटर। हेलो टैफी, इस वक्त बर्फ में कैसे निकल पड़े? तुम्हारे क्वार्टर में गया था, तुम वहां नहीं मिले तो सोचा शायद यहां मिल जाओ, और वे मुस्कुरा दिया। वैसे घूमने के लिए मौसम अच्छा है, पीटर ने कहा। वे दोनों कमरे में आ गए। अनीता प्यालियां धो रही थी। एक प्याली उसके हाथ से गिरकर टूट गई। ओहो, प्याली टूट गई? हाँ, दो थी, उनमें से भी एक टूट गई। कोई बात नहीं, सौसर तो है, उनसे प्यालियों का काम चल जाएगा। पीटर फिर चारपाई पर बैठ गया। जॉन मेज पर रखे फोटोग्राफ के पास चला गया। फियांसे है? अनीता ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। यह चिट्ठी भी उसी को लिखी जा रही थी? जॉन ने चारपाई पर रखे पत्र की तरफ संकेत किया। पीटर पुस्तक का वह पृष्ठ पढ़ने लगा जिस पर से वह पत्र नकल किया जा रहा था। जॉन स्टोव के पास जा खड़ा हुआ और अनीता के शॉल की तारीफ करने लगा। चाय तैयार हो गई तो अनीता ने प्याली बनाकर जॉन को दे दी। अपने और पीटर के लिए सॉसर में चाय डालती हुई बोली, हमारे घर में कुल दो ही प्यालियां थी, वह मैं उठा लाई थी, आते ही एक टूट गई। जॉन और पीटर ने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखें हटा ली। यह सी कॉटेज है तो अच्छी, मगर जरा दूर पड़ जाती है, पीटर दोनों हाथों से सॉसर संभालता हुआ बोला। तुम पादरी से कहो कि तुम्हें डी या ई कॉटेज में जगह दे दे, वे दोनों खाली पड़ी हैं, उनमें दो दो बड़े कमरे हैं। अच्छा, अनीता बोली, वैसे मेरे लिए तो यही कमरा बहुत बड़ा है, घर में हमारे पास इससे भी छोटा एक ही कमरा है जिसमें हम तीन जने रहते हैं, उसमें से भी आधा कमरा मेरे भाई ने ले रखा है और आधे कमरे में हम माँ बेटी गुजारा करती हैं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो माँ को जगह की कुछ सहूलियत हो गई। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ, पहला वेतन मिलने पर मैं उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े भेजना चाहती हूँ, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। पीटर और जॉन की आंखें पल भर मिली रही। जॉन का निचला होठ थोड़ा सिकुड़ गया। चाय बहुत अच्छी है, खूब गर्म है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, रोज बर्फ पड़े तो मैं रोज यहाँ आकर चाय पिया करूँ। पीटर के सॉसर से चाय छलक गई। सॉरी, बर्फ और कोहरे की वजह से बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया था। बर्फ के गोले दूध फेन की तरह निशब्द गिर रहे थे। जॉन और पीटर अनीता के क्वार्टर से निकलकर ऊपर की तरफ चले तो पगडंडी पर दो दो इंच बर्फ जमा हो चुकी थी। अंधेरे में ठीक से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए जॉन ने पीटर की बांह पकड़ ली। अच्छी लड़की है ना? बहुत सीधी है, मुझे डर है कि यह भी कहीं नानावती की तरह। रहने दो, तुम उसके साथ इसका मुकाबला करते हो। वह आई थी तो वह भी ऐसी ही थी, मैं इसे उन लोगों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जॉन को थोड़ी खांसी आ गई। वे कुछ देर खामोश चलते रहे, उनके पैरों के नीचे कच्ची बर्फ कचर कचर करती रही। कुछ फासले से आकर टॉर्च की रोशनी उनकी आंखों से टकराई। पल भर के लिए उनकी आंखें चुंधियाई रही, फिर उन्होंने ऊपर से उतरकर आती आकृति को देखा। गुड इवनिंग बैरो। गुड इवनिंग टैफी, किधर से घूमकर आ रहे हो? यूं ही बर्फ पड़ती देखकर थोड़ी दूर निकल गए थे। बर्फ में घूमना सेहत के लिए अच्छा है, पीटर ने जॉन की उंगली दबा दी। तुम भी सेहत बनाने निकले हो? इस बार जॉन ने पीटर की उंगली दबा दी। हाँ, मौसम अच्छा है, मैंने भी सोचा थोड़ा घूम लूं। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। टॉर्च की रोशनी काफी नीचे पहुंच गई तो जॉन पैर से रास्ता टटोलता हुआ बोला, यह पादरी का खुफिया है, खुफिया, मैं इस हरामी की रग रग पहचानता हूँ। पीटर खामोश चलता रहा। सुबह जिस समय पीटर की आंख खुली उसने देखा कि वह जॉन के क्वार्टर में एक आराम कुर्सी पर पड़ा है। वहीं उस पर दो कंबल डाल दिए गए हैं, सामने रम की खाली बोतल रखी है। वह उठा तो उसकी गर्दन दर्द कर रही थी। उसने खिड़की के पास आकर देखा कि जॉन चाय का फ्लास्क लिए डाइनिंग रूम की तरफ आ रहा है। वह ठंडी सलाखों को पकड़े दूर तक फैली बर्फ को देखता रहा। जॉन कमरे में आ गया और भारी कदमों से तख्ते पर आवाज करता हुआ
पीटर के पास आ खड़ा हुआ। कुछ सुना? पीटर ने उसकी तरफ देखा। रात को पादरी ने उसे अपने पास बुलाया था। किसे? अनीता को। जॉन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें क्षण भर पीटर की आंखों से मिली रही। पीटर गंभीर होकर दीवार की तरफ देखने लगा। टैफी, मैं उसे कहूंगा कि वह यहां से नौकरी छोड़कर चली जाए। उसे पता नहीं है कि यहां वह किन जानवरों के बीच आ गई है। जॉन फ्लास्क से प्यालियों में चाय उड़ेलने लगा। उसमें खुददारी हो तो उसे आप ही चले जाना चाहिए, वह बोला। किसी के कहने से क्या होगा? कुछ नहीं। हो या ना हो, मगर मैं उससे कहूंगा जरूर। तुम पागल हुए हो? हमें दूसरों से मतलब? वह अनजान बच्ची तो है नहीं। पीटर कुछ ना कहकर दीवार की तरफ देखता हुआ चाय के घूंट भरने लगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, गिरजे का वक्त हो रहा है। पीटर ने दो घूंट में ही चाय की प्याली खाली करके रख दी। मैं गिरजे में नहीं जाऊंगा। जॉन कुर्सी की बाह पर बैठ गया। आज तुम्हारी सलाह क्या है? कुछ नहीं, मैं गिरजे में नहीं जाऊंगा। जॉन मुंह ही मुंह बड़बड़ाकर ठंडी चाय की चुस्कियां लेता रहा। दो दिन की बर्फबारी के बाद फादर फिशर के डिनर की रात को मौसम खुल गया। डिनर से पहले घंटा भर सब लोग म्यूजिकल चेयर्स का खेल खेलते रहे। उस खेल में मणि नानावती को पहला पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिलने पर उससे जो जो मजाक किए गए उनसे उसका चेहरा इतना सुर्ख हो गया कि वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर भाग गई। मिसेस मर्फी उस दिन बहुत सुंदर हैट और रिबन लगाकर आई थी। उसकी बहुत प्रशंसा की गई। डिनर के बाद लोग काफी देर तक आग के पास खड़े बातें करते रहे। पादरी ने सबसे नई मैट्रन का परिचय कराया। अनीता अपने शॉल में सिकुड़ी सबके अभिवादन का उत्तर मुस्कुराकर देती रही। एटकिंसन्स मिसेस मर्फी को आंख से इशारा करके मुस्कुराया। हिचकिचाकर अपनी मुस्कुराहट जाहिर ना होने देने के लिए सिगार के लंबे लंबे कश खींचने लगा। जॉन उधर से नजर हटाकर हिचकॉक से बात करने लगा। तुम्हें तली हुई मछली अच्छी लगी? मुझे तो जरा अच्छी नहीं लगी। मुझे मछली हर तरह की अच्छी लगती है, कच्ची हो या तली हुई। हाँ, मछली हो। जॉन ने मुंह बिचकाया। रम की बोतल साथ हो तो भी तुम्हें अच्छी नहीं लगती? जॉन दांत खोलकर मुस्कुराया और सिर हिलाने लगा। मजलिस बर्खास्त होने पर जब सब लोग बाहर निकले तो हिचकॉक ने धीमे स्वर में जॉन से पूछा, क्या बात है, आज पीटर दिखाई नहीं दिया? जॉन उसका हाथ दबाकर उसे जरा दूर ले गया और दबे हुए स्वर में बोला, उसे पादरी ने जवाब दे दिया है। पीटर को भी? जॉन ने सिर हिलाया। वे कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। क्या कोई खास बात हुई थी? जॉन ने उसका हाथ दबा दिया। पादरी और बैरो के साथ साथ अनीता सिर झुकाए शॉल में छिपी सिमटी बरामदे से निकलकर चली गई। जॉन की भूरी आंखें कई गज उनका पीछा करती रही। यह आप भी गर्म पानी से नहाता है या नहीं? क्यों? बात हिचकॉक की समझ में नहीं आई। इसने डॉली को गर्म पानी से नहलाया था ना? हिचकॉक हो करके हंस दिया। बरामदे में से गुजरते हुए हकीम ने आवाज दी, खूब कह कह लग रहे हैं। मैं तली हुई मछली हजम कर रहा हूँ, हिचकॉक ने उत्तर दिया और ऊंची आवाज में जॉन को बतलाने लगा कि बगैर काटे की मांसेर मछली कितनी ताकतवर होती है। सुबह जॉन, अनीता, नानावती और हकीम बैचलर्स डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे थे जब पीटर का रिक्शा दरवाजे के पास से निकलकर चला गया। पीटर रिक्शे में सीधा बैठा रहा। ना उसे किसी ने अभिवादन किया और ना ही वे किसी को अभिवादन करने के लिए रुका। अनीता की झुकी हुई आंखें और झुक गई। जॉन ऐसे गर्दन झुकाए रहा जैसे उस तरफ उसका ध्यान ही ना हो। बैचलर्स डाइनिंग रूम में कई क्षण खामोशी छाई रही। सहसा पादरी को खिड़की के पास से गुजरते देखकर सब लोग अपनी अपनी सीट से आधा आधा उठ गए। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग माई सन्स। कल रात का डिनर बहुत ही अच्छा रहा, हकीम ने चेहरे पर विनित मुस्कुराहट लाकर कहा। सब तुम्ही लोगों की वजह से है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे डिनर रोज हुआ करें। पादरी आगे निकल गया तो भी कुछ देर हकीम के चेहरे पर वह मुस्कुराहट बनी रही। मेरे लिए उबला हुआ अंडा अभी तक क्यों नहीं आया? सहसा जॉन गुस्से से बड़बड़ाया। अनीता स्लाइस पर मक्खन लगाती हुई सिहर गई। किरपू ने एक प्लेट में उबला हुआ अंडा लाकर जॉन के सामने रख दिया। छील कर लाओ, जॉन ने उसी तरह कहा और प्लेट को हाथ मार दिया।
पलेट अंडे समेत नीचे जा गिरी और टूट गई। उधर गिरजे की घंटियां बजने लगी, टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।